देखिए क्वेश्चन नंबर टाइप टू में हम क्वेश्चन वन लिए हैं। विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू 3 to power -7 सो दैट द प्रोडक्ट इज 3। मीन्स इस गिवन क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 3 to power -7 में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि प्रोडक्ट आपका 3 आ जाए। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है जो कि टाइप टू का पार्ट है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम लोग चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका, और आप ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर आपको ये समझ में आ जाएगा कि तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। लेट द मल्टीप्लिकेंट बी एक्स मीन्स हम मान लेते हैं कि वो नंबर जिससे हमें 3 to power -7 में मल्टीप्लाई करना है वो है एक्स। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के लिए। तो चलिए एक्स मान लिए हैं, एक्स वो नंबर है जिसे हमें 3 to power -7 में मल्टीप्लाई करने पर हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो 3 होगा। तो x इक्वल्स टू आप देखे हैं कि माइनस अगर नेगेटिव पावर में है तो हमें उसे प्लस बनाना है, तो ये हो जाएगा 1 upon 3 to power 7 इक्वल्स टू 3। अगले स्टेप में देखें x इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, x इक्वल्स टू 3। और ये देखें कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के केस में है, मीन्स 1 upon 3 to power 7 है, तो यहाँ ये डिवीज़न में है और इधर से ये जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 3 to power 7 यहाँ पर। और आप देखेंगे कि यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 है ही। यहाँ पर आपको याद आएगा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लोगों ने देखा था कि व्हेन द बेसिस आर सेम देन द पावर विल बी एडेड। तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 3 to power 1 plus 7 कर देंगे तो कितना होगा 8 होगा। इट मीन्स हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर विल बी द रिक्वायर्ड नंबर इज 3 to power 8 विच इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट, ये आपको समझ में आ रहा है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि लेट द मल्टीप्लिकेंट बी एक्स, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इज मल्टीप्लाइड विथ 3 raised to power -7 इक्वल्स टू 3। एक्स इक्वल्स टू 1 upon 3 to power 7 क्योंकि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में बदलना है, इक्वल्स टू 3। और एक्स इक्वल्स टू 3 के पावर 1 पहले से ही हमारे पास है, और ये 1 upon 3 to power 7, तो 1 upon मीन्स डिवीज़न है, जब राइट साइड में जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, और बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये हुआ एक्स इक्वल्स टू 3 to power 1 plus 7 मीन्स 3 to power 8। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 3 to power 8 विच विल बी मल्टीप्लाइड टू 3 to power -7 गिव्स 3। इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन अभी आपको मैं दे दे रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस आप करेंगे, और इसी में एक डिवीज़न का केस है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। राइट, तो ये क्वेश्चन जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये आप प्रैक्टिस करेंगे। लिख देता हूँ, पेन से लिख रहा हूँ इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा होमवर्क में। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जा रहा है तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसी तरह का है बिल्कुल, विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू -5 to power -1 सो दैट द प्रोडक्ट इज 10 to power -1 मीन्स किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए -5 to power -1 में
कि उसका प्रोडक्ट 10^-1 आ जाए। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और मुझे आप बताएंगे। इसके बाद एक डिवीज़न का क्वेश्चन है, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पर टाइम बचाने के लिए, बाय विच नंबर -224^-1 इज डिवाइडेड सो दैट द कोशेंट इज 3^-1। मीन्स किस नंबर से -24^-1 को डिवाइड किया जाए कि आपका कोशेंट 3^-1 आ जाए। इसलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर लीजिए। लेट द डिवाइजर बी एक्स। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए माने थे उसी तरह डिवीजन में लेट द डिवाइजर बी एक्स। डिवाइजर बी एक्स हम मान लेते हैं कि उस नंबर को हम एक्स से डिवाइड करेंगे। क्या नंबर हमारा गिवन है? -24^-1। इसको हम डिवाइड करते हैं एक्स से तो हमें क्या मिलता है? 3^-1। यहाँ पर देयरफॉर ATQ करके लिख सकते हैं आप। अब इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है, इसके लिए हमें लिखना होगा 1/-24^-1। क्योंकि 1 लिखें चाहे ना लिखें उससे कोई मतलब नहीं है। और ये डिवीज़न का सिंबल है तो इसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा, ये x अपान 1 है, चेंज होके ये हो जाएगा 1/x इक्वल्स टू, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। अब आप देख रहे हैं कि 1 1 जा 1, ये हो गया 1, और ये सॉल्व करेंगे तो -24 × x, तो -24x हो जाएगा इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3 1 जा 3 इक्वल्स टू -24x। हमें x की वैल्यू चाहिए इसलिए हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 3/-24। ये दिख नहीं रहा है, रुक जाइए। 3/-24 सॉल्व कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, दिख नहीं रहा था। तो x की वैल्यू आ गई 1/-8, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -1/8। तो रिक्वायर्ड नंबर आपका हो जाएगा -1/8। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर बी, रिक्वायर्ड नंबर बी -1/8। दिस इज द आंसर। तो आप ये देख लीजिए, और इस तरह से आप एक डिवाइड का केस सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का केस हो चाहे डिवीजन का केस हो, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिससे लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू।